भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी का नाम अल कबीर है। इसके नाम में अल कबीर सुनने पर ही ऐसा मालूम होता है कि एक अरबी का शब्द है और ये भी अरबी का शब्द। लेकिन जिस तरह से किसी भाषा पर किसी धर्म, नस्ल या फिर क्षेत्र का विशेष अधिकार नहीं होता, ठीक वैसे अल कबीर के नाम पर किसी मुसलमान का अधिकार नहीं है। लेकिन आप कान खोल कर सुन लीजिए, अल कबीर का मालिक कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू है, बल्कि उनका नाम है सतीश सब्बरवाल। भारत की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अल कबीर का बूचड़ खाना यानी जिबाह खाना तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में मौजूद है। अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक बीफ निर्यातक कंपनी है जो मुस्लिम देशों को हलाल गोश्त सप्लाई करती है। ध्यान से सुन लीजिए, हलाल गोश्त जिसका हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। अल कबीर का नेटवर्क कई खाड़ी देशों में फैला हुआ है। अल कबीर भारत की सबसे बड़ी बीफ निर्यातक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के नरीमन पॉइंट पर मौजूद है। मुंबई से ही अल कबीर यानी सतीश तब्बरवाल की हलाल गोश्त वाली बीफ कंपनी मिडिल ईस्ट के कई देशों को बीफ सप्लाई करती है। अल कबीर का दफ्तर दुबई, अबुधाबी, कुवैत, जेद्दा, दमाम, मदीना, रियाद, खरमिश, सित्रा, मस्कट और दोहा में है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में ही अल कबीर ने तकरीबन 650 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अब बात करते हैं कि दूसरे सबसे बड़ी बीफ कंपनी की, जिसका नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके मालिक भी कोई टोपी वाले नहीं है, इसके मालिक भी किसी उर्दू अरबी नाम वाले नहीं है, बल्कि एक सनातनी है जिनका नाम है सुनील कपूर। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई के रशियन मेंशंस में मौजूद है। सुनील कपूर की कंपनी बीफ के अलावा भेड़ का गोश्त भी निर्यात करती है। इसके बाद नंबर आता है एमकेआर का। एमकेआर फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मुसलमान नहीं है, बल्कि इसके मालिक है मदन एबट। कंपनी का मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। एबट कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़ खाना पंजाब के मोहाली जिले के समगोली गांव में है। इसके डायरेक्टर सनी एबट है। इसके बाद बारी आती है अलनूर एक्सपोर्ट्स की। अलनूर एक्सपोर्ट्स के मालिक भी कोई नमाजी नहीं है, बल्कि इसके मालिक हैं सुनील सूद। इस कंपनी का दफ्तर भी दिल्ली में ही है, लेकिन इसका जबीहा खाना यानी बूचड़ खाना सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वल्लाह, आपको हैरानी होनी चाहिए कि महाराज जी के सूबे में बीफ का हलाल कारोबार फल फूल रहा है। इस कंपनी का बूचड़ खाना और पूरी मशीनरी मुजफ्फरनगर जिले के शेरनगर गांव में मौजूद है। अलनूर की मीट प्रोसेसिंग प्लांट मुजफ्फरनगर के अलावा मेरठ और मुंबई में भी मौजूद है। इसके दूसरे पार्टनर हैं अजय सूद। इस कंपनी की स्थापना 1952 में हुई और ये 35 देशों को बीफ निर्यात करती है। वाह माशाल्लाह। अभी और सुनिए, अब एओबी एक्सपोर्ट के बारे में भी सुन लीजिए। एओबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़ खाना भी अलनूर की तरह ही महाराज जी के राज्य उत्तर प्रदेश में है। ये बीफ कंपनी साक्षी महाराज के संसदीय क्षेत्र उन्नाव में है। इसका मीट प्रोसेसिंग प्लांट भी है। इसके डायरेक्टर भी कोई जालीदार टोपी पहनने वाले नहीं है, बल्कि इसके मालिक है ओपी अरोड़ा। ये कंपनी साल 2001 से काम करती आ रही है, जो मुख्य रूप से बीफ निर्यात करती है। इसका हेडक्वार्टर एडा में है। इसके अलावा अभिषेक अरोड़ा एओबी एग्रो फूड्स के डायरेक्टर हैं। इस कंपनी का मीट प्रोसेसिंग प्लांट बीजेपी राज्य हरियाणा के नूह जिले में है। अब बात करते हैं अगले मास निर्यातक अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कमल वर्मा है। इस कंपनी का बूचड़ खाना और मीट प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। इसके बाद नंबर आता है पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स का। पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के डायरेक्टर एस शास्त्री कुमार हैं, जो बीफ के अलावा मुर्गी के अंडे और मांस का कारोबार भी करती है। कंपनी का प्लांट तमिलनाडु के नमक्काल में है। और आइए एक और बीफ कंपनी के बारे में, जो विदेशों में भारत का नाम रोशन कर रही है, जैसे अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स का बूचड़ खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। इस कंपनी के डायरेक्टर के राजेंद्रन है। अब नंबर आता है एक बीफ निर्यातक कंपनी का, जिसके मालिक भी हिंदू ही हैं और इनका नाम है महाराष्ट्र फ्रूट्स प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। इसकी कंपनी पार्टनर सन्नी खट्टर हैं। इस कंपनी का बूचड़ खाना महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। तो अभी आपने जिन कंपनियों का नाम सुना वो किसी मुसलमान की नहीं बल्कि हिंदू की है। इसके अलावा हिंदुओं की ऐसी बहुत सी कंपनियां मौजूद हैं जो सिर्फ बीफ एक्सपोर्ट सेक्टर में हैं, लेकिन उनका बूचड़ खाना नहीं है, पर उनके यहाँ मीट प्रोसेसिंग पैकेजिंग का काम होता है, जिसके बाद माल का निर्यात किया जाता है। ऐसा ही एक कंपनी है जिसका नाम है कनक ट्रेडर्स। इसके प्रोपराइटर राजेश स्वामी है। आप स्वघोषित राष्ट्रवादी और मोदी भक्ति में डूबे रहने वाले न्यूज चैनल जी न्यूज की इस खबर पर गौर करें। साल 2015 में जी न्यूज ने लिखा है कि बैन के बावजूद गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। इसके अलावा एक खबर आपकी आंख खोलने के लिए काफी है। 2018 में आज तक की खबर के मुताबिक भारत की अधिकतर आबादी मांसाहारी, सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे।
इसमें बताया गया है कि इंडिया स्पैन के सर्वे के मुताबिक लगभग 80% भारतीय पुरुष और 70% भारतीय महिलाएं मांसाहारी हैं। अब आइए बात कर लेते हैं भारत में गोश्त खाने वाली सबसे बड़ी कौम की, कि आखिर सनातन परंपरा पर चलने वाले हमारे देश में मांस खाने वाले कौन से लोग हैं, क्या उनको कपड़ों से पहचाना जा सकता है, क्या उनको नाम से पहचाना जा सकता है, जरा इस पर भी हम गौर कर लेते हैं। दरअसल भारत में मुस्लिम की आबादी महज 14% ही है, बाकी जो लोग मीट मांस बीफ खा रहे हैं या फिर बेच रहे हैं वो आखिर किसी धर्म के मानने वाले हैं। बीजेपी अक्सर ही गौरक्षा और गाय की बात करती है, क्योंकि सबको पता है कि गाय से गोबर मूत्र पेशाब के अलावा वोट भी मिलता है। पूर्वोत्तर में गाय के मांस पर भी कोई रोक नहीं है, इसी तरह से गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, भैंस के मांस को भी बीफ कहा जाता है। मार्च 2019 में द प्रिंट की रिपोर्ट पर गौर करें, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि गौरक्षा अभियान के बावजूद भारत का गौमांस निर्यात फिर बढ़ा। इसके साथ ही 2000